गुड मॉर्निंग सुरेंद्र, अक्षय, सबों को गुड मॉर्निंग है। ठीक है दोस्तों, आप सबों का स्वागत है, सबों को गुड मॉर्निंग। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी के प्लेटफॉर्म पे मैं कुमार वर्धन आप सबों का स्वागत करता हूं। लेट्स क्रैक इट जो हमारा टैग है यूपीएससी के लिए, अनअकैडमी आपको भारत का सर्वोत्तम मंच प्रदान करता है यूपीएससी सीएससी की तैयारी के लिए। और जो हमारा टैग है कि लेट्स क्रैक इट, तो हम लोग यहाँ पे इतने बेहतरीन तरीके से हम लोग अध्ययन करते हैं, हम लोग इतने बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को मजबूत बनाते हैं कि यूपीएससी हमारे लिए आसान हो जाता है और हम लोग यूपीएससी को क्रैक कर देते हैं। दोस्तों, यूपीएससी सीएससी हिंदी में आपको भारत के सर्वोत्तम एडुकेटरों से सीखने का मौका मिलता है, उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता है, उनसे आप पढ़ते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते हैं। तो घर बैठे किसी भी जगह पे हो, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में हो आप, तो आप भारत के सर्वोत्तम एडुकेटरों से, जो भारत के सबसे टॉप मोस्ट स्टार टीचर जिनको कहते हैं, जिनके सानिध्य में जाने से यूपीएससी बहुत की राह बहुत आसान हो जाती है, वहां आपको घर बैठे इन एडुकेटरों से सीखने का मौका मिलता है। दोस्तों, मैंने बताया कि मेरा नाम कुमार वर्धन है और 2014 से मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है और वर्तमान समय में मैं यूपीएससी और पीसीएस की कक्षाएं लेता हूं बिहार राज्य सरकार के प्रोजेक्ट में, भूगोल और करंट पढ़ा रहा हूं मैं वहां पे, और यहां पे भी आपकी मदद करने को आया हूं। दोस्तों, तो आप लोग सब्सक्रिप्शन लीजिए और जो मैंने बताया कि भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, और यहां से अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपकी तैयारी दिनों दिन बेहतर से बेहतरीन होते जाती है और यूपीएससी का जो आपका सपना है उसमें आप आगे बढ़ते हैं, उसको साकार करने की दिशा में। तो आप लोग जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन लीजिए। दोस्तों, जो कोर्स फी स्ट्रक्चर है, जो कोर्स फी स्ट्रक्चर है, यहाँ एक महीने से दो साल तक के कोर्स अवेलेबल हैं। अगर आप एक साल का कोर्स लेते हैं तो आपको 44,000 रुपये मात्र इसका फी है, और इसमें भी अगर आप मेरे कोड KV01 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% अतिरिक्त छूट मिलती है और आपको महज 39,600 रुपये देने होते हैं एक साल के लिए। अब देखिए कि ऑफलाइन में कितना हमें देना होता है, वहीं अगर दो साल का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अगर आप 2022 की तैयारी कर रहे हैं और बृहद रूप से तैयारी करना चाहते हैं तो उसका फी स्ट्रक्चर है 64,000 रुपये, और अगर आप मेरे कोड KV01 का अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको महज 57,600 देने होते हैं, यहां भी आपको 10% की छूट मिलती है। राम प्रसाद, गुड मॉर्निंग, सबों को गुड मॉर्निंग। एलन मॉस्क, गुड मॉर्निंग सबों को। चलिए तब हम लोग अपनी कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो शुरुआत करेंगे हम सागरीय तापमान से। सागरीय तापमान जो है यह प्रमुख रूप से प्रवाल भित्तियों के लवणता इन सबों के लिए बहुत ही जरूरी होता है, और सागरीय तापमान अपने तटीय क्षेत्रों में क्या करती है, उसके भौगोलिकता को व्यापक रूप से प्रभावित करती है। तो हम लोग शुरू करते हैं, पहले जानते हैं सागरीय तापमान के विषय में। गुड मॉर्निंग शैलेंद्र। तापमान महासागरीय जल का एक महत्वपूर्ण भौतिक गुण है। यह सूर्यातप की मात्रा, ऊष्मा संतुलन, सागरीय जल के घनत्व, लवणता, वाष्पीकरण व संघनन, स्थानीय मौसमी दशाओं आदि द्वारा निर्धारित होती है। तो जो महासागरीय तापमान है, यानी महासागरीय जल का जो तापमान है वह क्या है, जल का एक महत्वपूर्ण भौतिक गुण है। यह महासागरीय तापमान जो होता है, जो सागरीय तापमान है, वह बहुत कुछ निर्धारित करता है अपने तटीय क्षेत्रों में।
जो सागरीय तापमान है वह सूर्यातप की मात्रा, मान लिया जाए कि उस सागरीय क्षेत्र में, उस समस्त सागरीय क्षेत्र में सूर्यातप की कितनी मात्रा आ रही है, यानी सूर्य का जो किरण है वो कितने रूप में वहां पड़ता है, क्या सूर्यातप की मात्रा लंबवत वहां पड़ रही है या तिरछी पड़ रही है। अगर लंबवत पड़ेगी तो सागरीय तापमान क्या होगा, उच्च होगा, और अगर तिरछी किरणें पड़ेंगी तो सागरीय तापमान निम्न होगा। उष्मा संतुलन, अब जल में संवहन जैसी क्रियाएं होती हैं, सागर का जल गर्म हुआ, ऊपर की ओर गया, फिर नीचे का ठंडा जल आया, तो इस प्रकार से क्या होता है, उष्मा का संतुलन होते रहता है। जो तापमान है वह सागरीय जल के क्या करता है, घनत्व को निर्धारित करता है, कि एकांकी क्षेत्र में अगर तापमान अधिक होगा तो वह क्या होगा, जल फैलेगा और उसका आयतन बढ़े, घनत्व उसका बढ़ेगा। लवणता, सैलिनिटी, उसमें घुले हुए लवणता, लवण की मात्रा, वाष्पीकरण और संघनन, सूर्यातप की मात्रा अगर अधिक होगी, अगर गर्म होगा सागरीय जल तो वहां वाष्पीकरण ज्यादा होगी और संघनन की क्रिया आसपास के क्षेत्रों में होगी और वर्षण में सहायक होगी, और स्थानीय मौसमी दशा कैसी है इस बात पर निर्भर करता है। ठीक, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कोई दिक्कत होगी तो पूछेंगे। तो तापमान महासागरीय जल का क्या है, एक महत्वपूर्ण भौतिक गुण है, यह सूर्यातप की मात्रा, उष्मा संतुलन, सागरीय जल के घनत्व, लवणता, वाष्पीकरण एवं संघनन और स्थानीय मौसमी दशाओं आदि द्वारा क्या होती है, निर्धारित होती है। तो जो सागरीय, सागर का तापमान है, इन सब कारणों से प्रभावित होता है। कैसे होता है, हम लोग समझ गए, किन्हीं को कोई दिक्कत। गुड मॉर्निंग बंटी, नरेंद्र, कोई दिक्कत होगी तो पूछेंगे। तापमान सागरीय धाराओं, समुद्री जीव जंतुओं व वनस्पतियों का निर्धारण करता है। महासागरीय जल के सतह का औसत दैनिक तापांतर नगण्य होता है, लगभग 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। सामान्यतः सागरीय जल का अधिकतम तापमान दोपहर 2 बजे एवं न्यूनतम तापमान सुबह 5 बजे देखा जाता है। हमने जाना कि सागरीय तापमान जो है वह किस प्रकार से समुद्री धाराओं को या महासागरीय धाराओं को प्रभावित करता है। अधिक तापमान वाले से कम तापमान वाले के तरफ क्या होता है, जल धाराओं के रूप में बहता है। समुद्री जीव जंतुओं को भी यह व्यापक रूप से सागरीय तापमान प्रभावित करता है, जैसे प्रवाल भित्ति, प्रवाल भित्तियों के, प्रवाल जीवों के बढ़ोतरी में, उनके दिनचर्या में जो उनकी समस्त जिंदगी होती है उसको यह व्यापक रूप से प्रभावित करती है। मत्स्यन में जो मछली होते हैं या जितने भी समुद्री जीव होते हैं, तापमान उनको व्यापक रूप से प्रभावित करता है। वहीं वनस्पति है, मूंगे चट्टान है, किस प्रकार से वो तापमान के साथ संतुलन बनाते हैं, तापमान किस प्रकार से उसको प्रभावित करता, अधिक होगा तो वो खत्म नष्ट हो जाएंगे, कम होगा तो पनपेंगे ही नहीं, तो किस तरह से तापमान क्या करती है, सागरीय तापमान महासागरीय धाराओं को, समुद्री जीव जंतुओं को और वनस्पतियों का निर्धारण करती है। तो जो तापमान में अंतर होता है, डेली अगर 24 घंटे का तापमान करें तो वो लगभग नगण्य होता है, लेकिन सर्वाधिक तापमान दोपहर में 2 बजे, क्यों, कि सूर्यातप लंबवत 12 बजे दिन के आसपास लंबवत पड़ रहा है, तो सागरीय जल धीरे धीरे गर्म होगा और 2 बजते बजते क्या होगा, वह काफी ज्यादा गर्म हो जाएगा, फिर सूर्य अस्त होगा तो उसके तापमान में क्या होगी, गिरावट दर्ज होगी, होते 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 सुबह 5 बजे तक वह क्या होता है, अपने न्यूनतम तापमान पर पहुंच जाता है। तो अधिकतम तापमान आया था, यहां से क्वेश्चन आया था किस चीज में भाई, तो ठीक, राहुल, अमनजीत, गुड मॉर्निंग। तो इस प्रकार से क्या होता है, तापमान जो है अधिकतम दोपहर में 2 बजे सागर का और न्यूनतम सुबह में 5 बजे, क्यों, समझ गए। अगस्त में सागरीय जल का तापमान सर्वाधिक व फरवरी में न्यूनतम रहता है। सामान्यतः महासागरीय भाग का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। विषुवत वृत्त के समीप सागरीय जल सबसे अधिक गर्म रहता है तथा ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में क्रमिक ह्रास होता है। तब जैसे देखिए, अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें, जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो क्या होता है, सर्वाधिक सूर्यातप की मात्रा मिलती है, तो जब सर्वाधिक सूर्यातप की मात्रा मिलती है तो सागर का तापमान क्या होता है,
अधिक होता है, तो अगस्त के महीने में सागर का तापमान अधिक होता है और फरवरी में जैसे ही सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती हैं सागर का तापमान क्या होता है, गिरने लगता है। तो जो सागर का मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, समस्त सागरों की बात हो रही है यहाँ पे, समस्त सागरों की बात हो रही है, तो जो पूरे सागर के जितने भी महासागर हैं, जितने भी समुद्र हैं, सब में का तापमान का अगर देखा जाए तो सबसे न्यूनतम तापमान होता है -5 डिग्री सेल्सियस ध्रुवों की तरफ, और सर्वाधिक होता है कहां, 33 डिग्री सेल्सियस विषुवत रेखा के समीप, समस्त सागर सागरीय जल की अगर हम बात करें तो जिस तरह से हम विषुवत रेखा से 0 डिग्री से जैसे ही हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे 90 ऊपर या 90 नीचे, तो हमें क्या होता है, क्रमिक ह्रास सागरीय तापमान में देखने को मिलता है। क्यों मिलता है भाई, क्योंकि सूर्या तप की मात्रा घटते जाती है। ठीक, किन्हीं को कोई दिक्कत? विषुवत वृत्त अक्षांश पर बताता हूं 26 से डिग्री रहता है, जबकि 20 डिग्री पर वह 40 डिग्री व 60 या क्रमशः 22 डिग्री सेल्सियस, 14 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री सेल्सियस रहता है। देखो, जो विषुवत वृत्त है 0 से 10 डिग्री ऊपर या 0 से 10 डिग्री नीचे, मतलब जो विषुवत रेखीय तल है 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे, यहां पे लगभग 27 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान होता है किसका, महासागरों का। जबकि अब ऊपर या नीचे जाएंगे तो 20 डिग्री जाएंगे, 40 डिग्री जाएंगे, 60 डिग्री जाएंगे, तो यह क्या होगा, क्रमशः घटता चला जाएगा। जैसे ही हम ऊपर या नीचे विषुवत रेखा से दूर जाएंगे क्या होगा, सागरीय तापमान घटता चला जाएगा। विषुवतीय रेखीय तल 0 से 10 डिग्री ऊपर या नीचे, इस विषुवत रेखीय तल पे औसत तापमान, वार्षिक तापमान कितना, लगभग 27 डिग्री सेल्सियस, 26.88 डिग्री सेल्सियस। और जब जैसे ही ऊपर या नीचे हम बढ़ेंगे तो 20 डिग्री पर जाएंगे, 40 डिग्री या 60 डिग्री पे अगर हम तापमान का अध्ययन करेंगे तो वह क्रमशः घटता चला जाता है। जहां 20 डिग्री पर वह 22 डिग्री सेल्सियस रहता है, वहीं 40 पर 14 डिग्री सेल्सियस, और अगर हम 60 डिग्री अक्षांश पे पहुंच जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस औसत वार्षिक तापमान होता है किसका, महासागरों का। ठीक, समझ गए, कोई दिक्कत? 20 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के बीच सागरीय जल में तापमान व लवणता, महासागरीय निक्षेप और प्रवाल भित्तियां एवं 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त से दक्षिण में तापांतर लगभग 5.5 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जिस तरह से हम 20 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांशों के पास पहुंचते हैं तो वहां पर क्या होता है, लवणता की मात्रा मिलती है अधिक, महासागरीय निक्षेप अधिक होता है और प्रवाल भित्ति की आदर्श दशाएं वहां मिलती है, प्रवाल भित्तियों के विकास की आदर्श दशाएं मिलती है। वहीं अगर 50 डिग्री सेल्सियस हम दक्षिणी अक्षांश पर आते हैं तो तापांतर क्या होता है, काफी बढ़ जाता है और जो औसत तापमान होता है उसमें 5.5 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है। किन्हीं को कोई दिक्कत, एक बार चैट देख लूं, कोई दिक्कत है? ठीक, आगे बढ़ते हैं, दिक्कत होगी तो पूछेंगे। तापांतर की सर्वाधिक मात्रा उत्तर पश्चिमी अटलांटिक में न्यूफाउंडलैंड के समीप लगभग 20 डिग्री तथा उत्तर पश्चिमी प्रशांत में व्लादिवोस्टोक के समीप लगभग 25 डिग्री सेल्सियस होती है। सबसे अधिक तापमान स्थल भाग से घिरे हुए उष्णकटिबंधीय सागरों में होता है। अब देखो, तो जो तापांतर होता है, वार्षिक तापांतर जो होता है, मतलब सबसे साल भर में सबसे न्यूनतम और अधिकतम का क्या जो गैप होता है उसी को हम तापांतर कहते हैं। न्यूनतम और अधिकतम के बीच का जो गैप होता है वह सबसे अधिक उत्तर पश्चिमी अटलांटिक, मतलब उत्तर ऊपर अमेरिका के तरफ और पश्चिम के पास न्यूफाउंडलैंड के पर जो अटलांटिक ओशियन है उसमें जो तापांतर होता है वह 20 डिग्री सेल्सियस होता है। और वहीं उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में आएंगे तो व्लादिवोस्टोक के समीप जो है वह सबसे अधिक तापांतर पाया जाता है 25 डिग्री। तो
न्यूफाउंडलैंड के पास अटलांटिक ओशियन में सबसे अधिक तापांतर पाया जाता है वर्ष भर में न्यूनतम और अधिकतम तापमान के बीच में अंतर, और वहीं प्रशांत महासागर में कहां उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में मिलता है व्लादिवोस्टक के समीप। एक तो जो सबसे अधिक तापमान जो महासागर का होता है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है जहां वह स्थलों से घिरा होता है, वहां पे सबसे अधिक तापमान होता है महासागरीय जल का। और कौन से क्षेत्र में, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यानी विषुवत रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में। ठीक, कोई दिक्कत? उष्णकटिबंधीय भागों में व्यापारिक हवाओं के प्रभाव के कारण उष्णकटिबंधीय भागों में व्यापारिक हवाओं के प्रभाव के कारण महासागरों के पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक गर्म रहते हैं। इस प्रकार शीतोष्ण कटिबंध में पछुआ पवन महासागरों के पूर्वी भागों के पश्चिमी भागों की अपेक्षा अधिक गर्म रखती है। तो जो हम जानते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कौन सा पवन का प्रभाव रहता है, तो व्यापारिक पवनों का, उत्तर पूर्व व्यापारिक पवन और दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनों का प्रभाव रहता है। इन पवनों के प्रभाव से जो सागरीय तापमान होती है उसमें वृद्धि होती है। तो व्यापारिक पवनों के प्रभाव के कारण महासागरों का क्या, पश्चिमी भाग, जो मान लिया जाए कि एक समीप यह महासागर है, यह क्या है, महासागर है, जल है। तो जो व्यापारिक पवनों के प्रभाव से उष्णकटिबंधीय, ये 0 डिग्री अक्षांश के आसपास की बात हो रही है यहां भी और यहां भी, तो जो ये भाग है यह कौन से व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आता है, तो जो इसका पश्चिमी भाग है यानी ये वाला भाग, तो ये ऊपर में उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। तो ये जो पश्चिमी भाग है सागरीय का, यह क्या होता है, पूर्व की अपेक्षा, क्यों, क्योंकि महासागर के पश्चिमी भाग से होते हुए व्यापारिक पवने महाद्वीपों के पश्चिमी भाग को प्रभावित करती हैं। हम जब पवन पेटी पढ़ेंगे तब उसमें व्यापारिक पवनों के विषय में विस्तार से जानेंगे। तो यह पश्चिमी भाग को क्या करती है, पूर्वी भाग के अपेक्षाकृत गर्म रखती है, क्योंकि यह पूर्वी भाग को व्यापक रूप से प्रभावित नहीं करती है। वहीं अगर हम चले जाते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में यानी 60 डिग्री सेल्सियस के डिग्री पर चले जाते हैं अगर दक्षिणी अक्षांशों पर, तो वहां पर कौन सी पवने चलती हैं, पछुआ पवने, उत्तर और दक्षिण दोनों में शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पछुआ पवन क्या करती है, जब पछुआ पवन पश्चिम से पूरब की तरफ बहती है तो वह पूर्वी भाग को यानी महासागर के पूर्वी भाग को गर्म रखती है। ठीक, समझ गए, कोई दिक्कत किन्हीं को? कोई दिक्कत होगी तो पूछेंगे। गहराई के बढ़ने के साथ साथ सागरीय जल के तापमान में कमी आती है, क्यों आती है भाई, क्योंकि सूर्यातप की जो मात्रा है या पवनों का जो प्रभाव है वह सागर के बहुत गहराई तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसलिए क्या होगा, जो जो हम सागर में नीचे की तरफ जाएंगे सागरीय तापमान में कमी होती चली जाएगी। ठीक, परंतु तापमान का यह ह्रास दर सर्वत्र एक जैसा नहीं होता है, लगभग 100 मीटर की गहराई तथा तक सागरीय जल का तापमान धरातलीय तापमान के बराबर होता है। तो जो 100 मीटर का जो सागरीय तल है, जो 100 मीटर तक सागर के नीचे 100 मीटर तक में ह्रास लगभग नगण्य होता है,
और यह उसके जो सरसागरीय तल का जो तापमान है उसको मेंटेन करता है। मतलब ये हुआ कि जो सूर्य की किरणें हैं वह 100 मीटर के गहराई तक को क्या करती है, प्रभावित करती है महासागरों को, ठीक। और जो पवने हैं, चाहे व्यापारिक पवने हैं, पछुआ पवने हैं, व्यापारिक पवने पश्चिमी भाग को गर्म रखती है महासागर के, और पछुआ पवने पूर्वी भाग को गर्म रखती हैं, तो इन सबों का प्रभाव 100 मीटर से अधिक गहराई तक नहीं हो पाता है, ठीक। और जैसे अंदर जाएंगे तो 1800 मीटर तक जैसे ही गहराई पे जाएंगे तो जो सागरीय तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहता है वह घट के 2 डिग्री सेल्सियस रहता है, और 4000 मीटर की गहराई जाते जाते 1.5 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। उसके बाद तापमान में कमी होने लगती है, और 18000 मीटर पर जाने पर तो 100 मीटर तक तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर धीरे धीरे घटते रहता है, और 1800 मीटर तक जाने पर लगभग 2 किलोमीटर नीचे जाने पर 15 से घट के 2 डिग्री, और 4 किलोमीटर जैसे ही नीचे जाएंगे घटकर 1.6 डिग्री रह जाता है। व्यापारिक पवने अस्थाई पवने होती हैं, पवन पेटी में इसको विस्तार रूप से पढ़ेंगे, जो भारत में भी मानसून लाती है, और ये अस्थाई पवने होती हैं, ये सालों भर चलने वाली पवने हैं व्यापारिक पवने, और पछुआ पवने और ध्रुवीय पूर्वा सब अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती है। उसने कटिबंधीय क्षेत्रों में वो जो वायु दाब है वह व्यापारिक पवनों का है, फिर नीचे जाएंगे शीतोष्ण में तो पछुआ पवने, फिर नीचे जाएंगे तो ध्रुवा पूर्वा, वो हम जब पवन पेटी पढ़ेंगे तो विस्तार से जानेंगे। अब आते हैं कि महासागरीय तापमान का लंबवत वितरण क्या है। अक्षांश पर अगर हम 0 से 10 डिग्री अक्षांशों की बात करें तो सतह का तापमान क्या है, 27 डिग्री। वहीं 10 से 20 डिग्री की भी बात करें तो 25.5 डिग्री, और 20 से 30 डिग्री पर पहुंचेंगे तो लगभग 24 डिग्री, 30 से 40 पर 20 डिग्री, 20.5 डिग्री, 40 से 50 अक्षांशों पर 12.94, और 50 से 60 अक्षांशों पर 8.94। इसको अच्छे समझें कि अक्षांश पर 0 से 10 डिग्री, मतलब ये विषुवत रेखा है तो 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे, 10 डिग्री क्षेत्र में क्या होगा तापमान 27 डिग्री के आसपास, और फिर अगर 20 डिग्री पे पहुंच जाएंगे हम तो 10, एक सीमा 10 तक हुआ, और फिर 10 से गिनती करेंगे कहां तक, 20 डिग्री सेल्सियस उत्तर और 20 डिग्री सेल्सियस दक्षिण में, तो वहां पे 25.60 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। फिर 20 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गए उत्तर और दक्षिण, फिर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेंगे उत्तर और दक्षिण, तो वहां पे तापमान हो जाएगा 23.90 डिग्री सेल्सियस, और इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते जब हम 60 डिग्री अक्षांश उत्तर या दक्षिण पर पहुंचेंगे तो महासागरीय तापमान केवल 9 डिग्री रह जाता, 8.94, यानी 26.88 से घटकर 8.94 होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर महासागरीय तापमान में कमी होती जाती है, ठीक, कोई दिक्कत। अब वहीं आते हैं गहराई पे तापमान का क्या औसत होता है। तो ये जो गहराई मापी गई है यह मापी गई है 7.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, ठीक, 7.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर गहराई के अनुसार तापमान को मापा गया है, ठीक। तो सागरीय तल पर तापमान कितना है, 26.86 डिग्री सेल्सियस, वहीं 100 मीटर की गहराई पर 18.57, 200 मीटर की गहराई पर 10.71, 400 मीटर की गहराई पर 7.70, 800 मीटर की गहराई पर 5.13, और 1000 मीटर की गहराई पर 4.81 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। तो अक्षांशीय विस्तार पर देखें किस प्रकार से और ठीक उसी प्रकार से तापमान में कमी कैसे कहां आएगी जब हम नीचे की ओर जाएंगे। तो 7.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर नापा गया और यह पाया गया कि जो सागरीय तल है उस पर तापमान जो है 26.86 डिग्री सेल्सियस है, वहीं 1000 मीटर की गहराई पहुंचते पहुंचते तापमान में व्यापक कमी दर्ज होती है और वह महज 4.81 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत, मैं आप समझने में
वो महासागरीय तापमान को हम समझ गए। अब हम जानते हैं, समझते हैं सागरीय लवणता को। तो पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं, फिर उसको हम लोग समझ लेंगे। कोई बहुत टफ नहीं कंसेप्ट है इसमें। सागरीय जल के भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। सागरीय लवणता प्रति हजार ग्राम जल में उपस्थित लवण की मात्रा प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे 30% का अर्थ है 30 ग्राम लवण प्रति हजार ग्राम जल में। समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाले रेखा को समलवण रेखा कहते हैं। अब इसको समझ लीजिए, देखिए, हजार ग्राम जल यानी एक लीटर जल में जितनी मात्रा अवसादों की होगी, अन्य पदार्थों की होगी, उसी को हम कहते हैं लवणता। 1000 ग्राम जल में घुले हुए पदार्थों की मात्रा कहलाती है उस जल की लवणता। कोई दिक्कत? यह जो है लवणता प्रतिशत में बताई जाती है, कितनी प्रतिशत लवणता है हजार ग्राम जल में। तो हजार ग्राम जल में कितनी लवणता है यह प्रतिशत में बताई जाती है। मान लिया जाए कि अगर आपको कहा जाए कि इस सागर का की जो लवणता है वह 25% है, इसका मतलब यह हुआ कि उस सागर में प्रति हजार ग्राम में 25 ग्राम क्या है, लवण मिक्स है प्रत्येक हजार ग्राम में। तो समझ गए। और एक समान लवणता वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली जो रेखा, काल्पनिक रेखा होती है, उसको हम कहते हैं समलवण रेखा। कोई दिक्कत? तो लवणता क्या हुई, समझ गए। लवणता या खारापन को लवणता मापी सेलिनोनेक्टर यंत्र द्वारा मापा जाता है। सागरीय लवणता का प्रभाव लहर, धाराओं, तापमान, मछलियों, सागरीय जीवों, प्लैंकटन आदि पर पड़ता है। और अधिक लवणता युक्त सागर देर से जमता है। इसको समझ लीजिए, सेलिनोमीटर से इसको नापा जाता है, किसको, सागर के खारेपन को, यानी सागर में घुले हुए जल में घुले हुए लवणता को। तो जो हम पढ़े थे, जब हम महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के विषय में पढ़े थे, तो हमने कहा था कि उच्च लवणता वाले सागरीय क्षेत्र से जल किधर, निम्न लवणता वाले सागर के क्षेत्रों की तरफ बढ़, अति निम्न लवणता वाले सागरीय जल उच्च लवणता वाले सागरीय जलों की तरफ फैलती है। क्यों? तो जो लवणता अधिक होती है तो उसका क्या होता है, घनत्व तो बढ़ जाता है और वह संकुचित हो जाता है और आसपास के फैले हुए सागरीय क्षेत्रों से जल उसकी ओर चलने लगता है। तो धाराओं की उत्पत्ति होती है, लहरों की उत्पत्ति भी होती है, यह मछलियों, सागरीय जीवों, प्लैंकटन आदि के जीवन को भी व्यापक रूप से प्रभावित करता है। ठीक। और जो अधिक लवणता युक्त वाला सागर है, जहां पे लवणता की मात्रा अधिक होती है, उसके जमने की प्रक्रिया धीमी होती है। क्यों होती है? कि जल लवण जो है वह धीरे धीरे जमता है। लवणता की मात्रा अधिक होगी तो सागरीय जल का अनुपात क्या होगा, घटेगा, तो वह देरी से जमेगा। ठीक। नहीं, जीएस है भाई, जीएस की कक्षा है भूगोल। और अगर अधिक लवण होगा तो क्या होगा, वहां पर वाष्पीकरण की गति भी क्या होगी, धीमी हो जाएगी, क्योंकि सागर का जल का जो अनुपात है वह कम हो गया, लवण का अनुपात बढ़ने लगा। तो जो वाष्पीकरण की दर सामान्य जल में होगी उससे वहां पे क्या होगा, न्यूनतम होगा, और जल का क्या होगा, घनत्व बढ़ता जाता है। समझ गए थे, इस बात की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 1884 ईस्वी में चैलेंजर अनवेंशन के समय डिटमार ने 47 प्रकार के लवणों का पता लगाया, जिनमें 7 प्रकार के लवण अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक। तो जो 1884 में चैलेंजर अनवेंशन हुआ, यानी मेरियाना गर्त का जो अनवेंशन का प्रारंभ हुआ, उसमें डिटमार वैज्ञानिक थे, उन्होंने 47 प्रकार के लवणों का पता लगाया जो सागरीय जल में घुले होते हैं, जिनमें 7 क्या हैं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं।
वो सात के विषय में हम लोग जान लेते हैं। जो सबसे ज्यादा लवण की जो मात्रा होती है, उस लवण को की मात्रा अगर देखें तो उसमें सर्वाधिक मात्रा सोडियम क्लोराइड की होती है, लगभग 79%। फिर मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9%, मैग्नीशियम सल्फेट 4.7%, कैल्शियम सल्फेट 3.6%, पोटासियम सल्फेट 2.5%, कैल्शियम कार्बोनेट 0.3% और मैग्नीशियम ब्रोमाइड 0.2%। हेलो, हाय जतिन, रोशन, समझने में किसी को कोई दिक्कत भी हो रही है? तो जो 47 प्रकार के लवणों का पता लगाया था 1884 में कौन, लिटमार ने, तो उनके अनुसार जो है वो 47 प्रकार के लवण सागरीय जल में घुले होते हैं, किंतु 7 प्रमुख लवण होते हैं जिनमें सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम ब्रोमाइड हैं। ये 7 प्रमुख प्रकार के लवण हैं जो जिनमें प्रतिशत जो इसमें जो लवणता की प्रतिशत में जो इनकी मात्रा है, इनका योगदान है, वह है 77.8%, सोडियम क्लोराइड की 10.9%, मैग्नीशियम क्लोराइड की, मैग्नीशियम सल्फेट 4.7%, कैल्शियम सल्फेट 3.6%, पोटेशियम सल्फेट 2.5%, कैल्शियम कार्बोनेट 0.3% और मैग्नीशियम ब्रोमाइड 0.2% है। ठीक, समझ गए? किन्हीं को कोई दिक्कत? रोशन, हाँ, आई एम फ्रॉम बिहार, गुड मॉर्निंग सबों को। जतिन, बहुत अच्छी बात, राजस्थान बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है, सबको गुड मॉर्निंग। क्लास 11 बजे से शुरू हो रही है, होती है, कल छुट्टी रहेगी। आप लोग YouTube पे कुमार वर्धन सर्च करेंगे और तो आपको क्लासों की जितने भी क्लासेस हैं अनअकैडमी वाले, वो आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। रोशन, यू आर ऑल्सो फ्रॉम बिहार, वेरी गुड। मिठापुर, हाँ आओ भाई, आज प्रश्न होगा, क्वेश्चन आंसर होगी। मेटाफर आना, फिर वहां पे जवाब देना, ठीक है? अनअकैडमी पे आप कर सकते नहीं, यूपीएससी की तैयारी यूट्यूब केवल से नहीं होगी भाई, पढ़ना पड़ेगा। तो अब आते हैं सागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक को जानते हैं। लवणता की मात्रा को नियंत्रित करने वाले कारकों में वाष्पीकरण, वर्षा, नदी का जल का आगमन, पवन, सागरीय धाराएं तथा लहरें प्रमुख हैं। जो सागर में लवणता की मात्रा है, हम जानते हैं कि सागरीय लवणता किसको कहते हैं, तो जो लवणता की मात्रा है तो वहां पे सूर्यातप की कितनी मात्रा पड़ रही है, तो वाष्पीकरण उस अनुसार से होगा। तो जल का खिंचाव होगा वाष्पीकरण के माध्यम से, तो जो घुलनशील लवण है उसकी मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी वहां पर। ठीक, अगर वर्षण हो रहा है वहां पर तो सागर जल में मीठे जलों का प्रभाव बढ़ेगा और लवणता की मात्रा घटेगी। नदी का जल अगर जाएगा तो देखो, ये चीज समझने की बात है। कहा जाता है कि जो नदी जल है वह लवणता का मुख्य कारण है, किसके, महासागर के, क्योंकि नदी के द्वारा भूमि से लवण लाके वहां मिलाया जाता है। लेकिन नदियां क्या करती हैं, लवणता को कम करती हैं। ठीक, ये बात एकदम कंसेप्ट क्लियर रखें कि अगर आपसे पूछा जाए कि सागरीय लवणता का कारण तो नदी, लेकिन नदी सागरीय लवणता को क्या कर रही है, कम कर रही है। वर्तमान समय में लाती भी नदी है लेकिन वह लवणता की मात्रा कम करती है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। नदी का जल, पवन किस प्रकार से धाराओं का विकास करती है ऊपरी सागरीय जल को, हम लोग पढ़ चुके हैं पवन किस प्रकार से
और सागरीय धाराएं तथा लहरें भी सागरीय लवणता को प्रभावित करती हैं। इन्हीं को कोई दिक्कत? मधुटक कोई बात नहीं है। फिर आएंगे फिर आप लोग, तब तक कोई दिक्कत होगी तो पूछेंगे, फिर 5 मिनट में आते हैं। सामान्य रूप से वर्षा के कारण लवणता घटती है जबकि वाष्पीकरण के फलस्वरूप लवणता में वृद्धि होती है। समझ गए कि वाष्पीकरण अगर हुआ तो जल जो है, जल की मात्रा क्या होगी, कमी होगी, और वहां पे जो लवणता है, मान लिया जाए कि मान लेते हैं हम कि 1000 ग्राम जल है, ठीक, 1000 ग्राम जल है और लवणता कितना है, 30 है, ठीक, प्रतिशत में होता है, तो 1000 ग्राम में 30 ग्राम लवण है। वाष्पीकरण की क्रिया के फलस्वरूप 50 ग्राम जल क्या हुआ, ऊपर वाष्पीकृत हो गया। तब तो 950 ग्राम में ही ना 30 ग्राम जल है, लवण है, तो लवणता की मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई, रेशियो क्या हुआ उसका, बढ़ गया। और ठीक इसी प्रकार अगर वर्षण होगी तो यहाँ 1000 में 30 है और मान लो कि 10 ग्राम इसमें जल मिल गया, तब तो 1000 10 ग्राम में ना 30 ग्राम हो गया, तो क्या हुआ, लवणता की मात्रा जो है वहां पर घट गई। ठीक, समझ गए। सागरीय हिम के पिघलने पर लवणता में कमी आती है, उच्च वायु दाब एवं प्रति चक्रवातीय दशाओं कारण लवणता में वृद्धि होती है, उच्च अक्षांशों पर सागरीय जल के जमने के कारण सागरीय लवणता में वृद्धि होती है। इन सब रीजन को भी हम लोग, हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब देखो, जैसे ही हम ध्रुवीय क्षेत्र में हिम पिघला, ग्लेशियर पिघले, तो मीठा जल क्या हुआ, समुद्र में आके मिला और लवणता में उन क्षेत्रों में कमी ला दिया। अब आते हैं उच्च वायुदाब और की दशा में। वायुदाब अगर उच्च होगा तो प्रेशर पड़ेगा, जल का क्या होगा, संकुचन होगा, और जल का जब संकुचन होगा तो उसमें लवणता, जल संकुचित होगा और लवण की जो मात्रा है वह प्रतिशत में बढ़ जाएगी, ठीक। और उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में क्या है, सागरीय जल के जमने के कारण सागरीय लवणता में वृद्धि होती है। अब लवणता है 30% है और सागरीय जल क्या हुआ, जमने लगा और जो है उसका 50% भाग जम गया, तो 50% वाले भाग में ही लवण पाया जाएगा, तो लवणता क्या होगी, वहां पे प्रतिशत मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। तो जो रेशियो है वह सागरीय हिम के पिघलने के कारण घटती है और वही सागर के जल के जमने के कारण बढ़ जाती है। वही वायुदाब और प्रति चक्रवातीय दशाएं भी क्या करती हैं, इसके वृद्धि को में सहायक होती है। उच्च वायुदाब अगर होगा तो क्या होगा, जल का संकुचन होगा और लवणता में की प्रतिशत मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। तो प्रचलित हवाओं, प्रचलित पवने कौन, व्यापारिक पवने, पछुआ पवने के प्रभाव के कारण सागरतीय जो स्थानीय क्षेत्र पर क्या होती है, सागर के लवणता में भिन्नता आती है, ठीक। तो पवने चलेंगी तो जल को अपने साथ लेके चलती, उनका अनुसरण करती है। हम लोग समझ गए थे जब महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति को पढ़ रहे थे, तो इससे उसके लवणता में क्या होता है, क्षेत्रीय स्तर पर अंतर आता है, जहां जल की मात्रा घटेगी वहां लवणता की प्रतिशत मात्रा बढ़ेगी और जहां पे जल पहुंचता है वहां पे लवणता में कमी आएगी, ठीक। विभिन्न सागरों में लवणता की मात्रा
33% से 37% के बीच रहती है। महासागरों में औसत लवणता 35% होती है, परंतु प्रत्येक महासागर झील आदि में लवणता की मात्रा अलग अलग पाई जाती है। तो यह 33% का मतलब समझ गए कि 1000 ग्राम जल में उपस्थित जितना ग्राम लवण होगा वह उसकी लवणता होगी। यहाँ 33% का मतलब है कि 1000 ग्राम जल में 33 ग्राम लवण घुला हुआ है। ठीक, तो औसतन क्या होता है, 35% सागर की लवणता औसत रूप से होती है, 33 से 37 के बीच में यह डिफर करता है। और लेकिन यहाँ पे हरेक महासागर झील आदि की लवणता की मात्रा अलग अलग होती है, तभी तो रेशियो निकालेंगे। नदियां लवणता को सागर तक पहुंचाने वाले कारकों में सर्व प्रमुख है, परंतु नदियों द्वारा लाए गए लवणों में कैल्शियम की मात्रा 60% होती है, जबकि लवणों में सोडियम क्लोराइड लगभग 78% है। तो हम जैसा जानते हैं कि नदियां क्या करती हैं, लवण को लाती हैं सागरीय जल तक, लेकिन वो जो 7 प्रमुख लवण हम देखे तो उसमें जो नदियां जल लाती है लवणता उसमें कैल्शियम की मात्रा 60% होती है। ठीक, लेकिन जबकि सोडियम क्लोराइड की मात्रा 78% है सागरीय जल में, इसका मतलब ये हो गया कि नदियां लवणता क्या बहुत व्यापक असर नहीं होता है महासागरीय लवण में। ठीक, कोई दिक्कत? गुड मॉर्निंग। नदियों में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 2% होती है। वस्तुतः नदियों द्वारा लाए गए कैल्शियम की अधिकांश मात्रा सागरीय जीव तथा वनस्पतियां प्रयोग कर लेती हैं। सागरीय जीव तथा वनस्पति क्या करती हैं, कैल्शियम खा लेती हैं। मतलब अपने विकास में जब हम लोग प्रवाल जानेंगे तो वहां प्रवाल भित्ति के विषय में जानेंगे। तो तब हम जानेंगे कि किस प्रकार से है वह कैल्शियम का। तो जो सोडियम क्लोराइड मात्र 2% लाती है, तो जो कैल्शियम लाती है 60% तक नदी है जल, उनका उपयोग कौन कर लेता है, तो सागरीय जीव एवं वनस्पतियां उसका उपयोग कर लेती हैं अपने भोजन के रूप में। प्राथमिक जीव जो होते हैं, प्रवाल भित्ति हुआ, प्लैंकटन इत्यादि। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सामान्य रूप से लवणता की मात्रा में कमी आती जाती है, और भूमध्य रेखा पर सामान्य लवणता मिलती है, क्योंकि यहां होने वाली अत्यधिक वर्षा यहां की लवणता को कम कर देती है, यद्यपि यहां उच्च वाष्पीकरण होता है। अब देखो, जैसे ही हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे, विषुवत रेखा से जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे, लवणता की मात्रा में कमी आती जाएगी। तो सर्वाधिक लवण कहाँ होना चाहिए, विषुवत रेखीय क्षेत्रों में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सर्वाधिक लवणता नहीं पाई जाती है। क्यों नहीं पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्यातप की सीधी मात्रा पड़ती है, और जब सूर्यातप पड़ेगा तो वाष्पीकरण तेजी से होगा तो लवणता बढ़ेगा, किंतु वर्षण भी साथ में बहुत ज्यादा होती है। तो जो विषुवत रेखीय तल होते हैं वहां वाष्पीकरण उच्च होने के कारण लवणता बढ़ती है, लेकिन किंतु क्या होता है, साथ में वर्षण भी बहुत होती है, जिस कारण से वहां की लवणता सामान्य रहती है। तो विषुवत रेखीय तल में लवणता सामान्य रहती है, क्योंकि वहां पर वर्षण भी बहुत होता है, और जैसे ऊपर जाएंगे तो लवणता की मात्रा में कमी आएगी, किंतु सर्वाधिक लवणता विषुवत रेखीय क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है। नहीं पाए जाते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। नदी उसके विकास में ह्रास करती है नदी का जलीय तापमान, आगे हम लोग पढ़ेंगे। उच्चतम लवणता उत्तरी गोलार्ध के 20 से 40 डिग्री अक्षांशों तथा दक्षिणी गोलार्ध में 10 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। लवणता के लंबवत वितरण में भी भिन्नता देखी जाती है। जैसा हम लोग अभी चर्चा किए
जैसा अभी हम लोग चर्चा किए कि जो ध्रुव भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, विषुवत रेखीय तल है, वहां पे सर्वाधिक लवणता नहीं पाई जाएगी। क्यों? वहां पे वर्षण अधिक होता है। तो जो जो हम उत्तर और दक्षिण की तरफ जाएंगे तब लवणता की मात्रा बढ़ेगी, पुनः ऊपर जाते जाते वह खत्म घटने लगती है। तो उत्तरी गोलार्ध में कहां 20 से 40 डिग्री के मध्य और दक्षिणी गोलार्ध में 10 से 30 डिग्री के मध्य लवणता सर्वाधिक पाई जाती है। समझ गए क्यों पाई जाती है? और लवणता का जो लंबवत वितरण है उसमें भी भिन्नता होती है। उच्च अक्षांशों में गहराई के साथ साथ लवणता बढ़ती है, मध्य अक्षांशों में 200 फैदम तक लवणता बढ़ती है फिर घटने लगती है। भूमध्य रेखा पर गहराई के साथ लवणता बढ़ता है, पुनः अधिक गहराई पर जाने पर घटता है। तो जो लंबवत वितरण है, मतलब सागर में ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम जाते हैं, वह भी भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। तो जैसे अगर हम उच्च अक्षांशों की तरफ गए तो 200 फैदम समुद्र की गहराई नापने का है, 200 फैदम तक अगर गए तो 1200 फीट लगभग हुआ, 1200 फीट की गहराई तक जाएंगे तो लवणता क्या होगी? बढ़ेगी। और फिर जैसे और नीचे जाएंगे तो लवणता घट जाएगी। भूमध्य रेखा पे अगर आते, भूमध्य तल पर आते हैं तो यहां पर क्या है, जैसे ही गहराई बढ़ेगी लवणता बढ़ेगा, परंतु जैसे ही हम नीचे जाएंगे तो लवणता घटने लगती। इसका मतलब ये हुआ कि सागरीय क्षेत्रों में जो सागर के तल के मध्य भाग है, जो सागर का गहराई में मध्य भाग है, वहां पर सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। ठीक। कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में अब देखते हैं कि सागरों में लवणता किस प्रकार से भिन्नता के साथ पाई जाती है। कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में लवणता 14% पाई जाती है, क्योंकि वोल्गा, यूराल आदि नदियों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति होता है। वहीं दक्षिणी भाग में काराबुगास की खाड़ी में लवणता 170 पाई जाती है। अब देखिए, जैसे नदियां जल आया तो लवणता की मात्रा में क्या हो गई? कमी हो गई। तो जो कैस्पियन सागर का उत्तरी भाग है वहां 14% पाया जाता है, यूराल, वोल्गा इत्यादि नदी आके वहां पे मिलती है। वहीं उसका दक्षिणी भाग में जब पहुंचते हैं कैस्पियन सागर के, तो वहां लवणता 170 हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर नदीय जल या वर्षण की मात्रा अधिक नहीं होती है। जो बृहत खारी झील है संयुक्त राज्य अमेरिका में लवणता 220% है, जॉर्डन में मृत सागर है जिसकी लवणता 238 है, तथा तुर्की का वॉन झील में 330 है। वो जो तुर्की का वॉन झील है वहां प्रत्येक 1000 ग्राम में 330 ग्राम लवण घुला हुआ है। तो सर्वाधिक लवणता वाला कौन है? वॉन झील है। और वहीं अगर सागरों की बात करें तो मृत सागर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है 238%। प्रवाल भित्तियां, अब हम प्रवाल भित्तियों के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं, इससे भी प्रश्न आते हैं कभी कभी। ये अत्यधिक जैव विविधता पूर्ण अंतः सागरीय स्थलाकृतियां हैं जिनका निर्माण कोरल फॉलिप या मूंगा के नामक समुद्री जीवों के अस्थि पंजरों से हुआ है। ये चूना प्रधान चट्टाने हैं। अब देखिए, जो मूंगा है, जो अंतः समुद्री ये जीव होते हैं, वो क्या करते हैं कि सागरीय लवणता को खाते हैं और अपना विकास करते हैं। सागरीय जल गर्म होना चाहिए, लवणता की मात्रा अधिक ना कम, एक सामान्य मात्रा में रहनी चाहिए, तब प्रवाल भित्तियां उत्पन्न होती हैं, वहां पे विकास करती हैं अपना। तो जैसे देखो कि प्रवाल भित्ति हुआ, प्रवाली जीव हुआ, प्रवाली जीव अपने जीवन को, जीवन चक्र को पूरा किया और मर गया, फिर उसी के अस्थि पंजरों पर, उसी पर
फिर क्या होता है, फिर और जो नया प्रवाली जीव है वो अपना विकास करने लगता है, फिर वह मर गया, फिर उसके ऊपर नया प्रवाली जीव परत दर परत क्या करता है, विकास करते जाता है, जिससे प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। तो वास्तव में क्या है, जो प्रवाल भित्ति हैं वह समुद्री जीवों के अस्थि पंजर हैं, प्रवाली जीवों के, ये प्रवाली जीवों के अस्थि पंजर से हैं, जिनका निर्माण किन से, मूंगा या कोरल फॉलिप से होता है। तो अस्थि में किसकी मात्रा अधिक होगी, अस्थि पंजर में चूना कैल्शियम की मात्रा अधिक होगी, तो जो ये चट्टानों का विकास होता है इसको हम कहते हैं चूना प्रधान चट्टाने। तो जो प्रवाल भित्तियां होती हैं वो चूना प्रधान चट्टाने होती हैं, और कैसे बनती हैं, तो मूंगा या कोरल पॉलिप के अस्थि पंजरों से। कैसे अस्थि पंजर, तो एक जीवन क्रम विकास किया वो मरा, फिर उसी के ऊपर दूसरा जीवन का विकास किया वो मरा, फिर उसके ऊपर दूसरा, फिर उसके ऊपर दूसरा, इस प्रकार से आगे भी क्षैतिज भी और ऊर्ध्वाधर भी ये विकास करते हैं, और प्रवाल भित्तियां इनको हम कहते हैं। ठीक, समझ गए, इन्हीं को कोई दिक्कत, डेली अभी तो फिलहाल डेली है, कल छुट्टी है, फिर जैसे आप लोग बेल आइकन कर दें आप लोगों को पता चल जाएगा कि कब क्लास है। और YouTube पे कुमार वर्धन सर्च करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। इन्हीं को कोई दिक्कत भी हो रही है, चलो ठीक, प्रवाल भित्तियों का निर्माण मुख्यतः कहां, उष्णकटिबंधीय सागरीय क्षेत्रों में होता है। ठीक, किसी पूरा पढ़ देता हूं उसके बाद फिर, प्रवाल भित्तियों का निर्माण उष्णकटिबंधीय सागरों में किसी द्वीप या तट के सहारे 200 से 300 फीट की गहराई में स्थित अंतः सागरीय चबूतरों पर होती है, जहां सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में पहुंचता है। तो सूर्य का प्रकाश होने के लिए क्या चाहिए, इसके लिए आवश्यक होना चाहिए प्रवाल भित्तियों के लिए। और यह कहां, तो जो देखो इसका मतलब यह हुआ कि सूर्य का प्रकाश यानी इसको गर्मी पर्याप्त मात्रा में मिलनी चाहिए, सागरीय जल जो है वह गर्म होना चाहिए, लगभग 30 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होना चाहिए। तो सागरीय जल कहां गर्म होगा सबसे अधिक, विषुवतरेखीय क्षेत्रों में, तो विषुवतरेखीय क्षेत्रों में सागरीय गर्म चौदह, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यह क्या होते हैं, 200 से 300 फीट की गहराई, जहां पर्याप्त मात्रा में सूर्यातप मिलता है, पर्याप्त मात्रा में सूरज की रोशनी मिलती है, वहां इनका विकास होता है, इनका तो प्रवाल भित्तियों का। ठीक, तो अधिक लवणता और पूर्ण स्वच्छ जल, अब नदी वाला जवाब मिल गया ना, इनके विकास के लिए नुकसानदेह है। प्रवाल के समुचित विकास के लिए समान सागरीय लवणता 25 से 30%, अवसाद मुक्त जल 25 से 30, औसत तापमान 20 से 25 डिग्री की आवश्यकता, सागरीय तरंगे और धाराएं प्रवालों के विकास के लिए लाभदायक हैं। अब देखो इनके उत्पत्ति की आदर्श दशा क्या होगी, इनके उत्पत्ति की आदर्श दशा क्या होगी, कि यह ना तो अधिक लवणता वाले जल में पनप पाएगा, ना ही स्वच्छ जल में इसका विकास हो पाएगा। तो लवणता की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 25 से 30% के बीच होनी चाहिए। अधिक तापमान भी इसके लिए नुकसानदायक और कम तापमान भी, तो सागरीय जल का तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तब यह अपना विकास करती है। इसके साथ ही अवसाद मुक्त जल वहां नहीं होना चाहिए, मतलब अवसाद युक्त जल नहीं होना चाहिए, अवसाद अगर भरा जल होगा तो इसके जो कमजोर तंतु हैं उसको वह नष्ट कर देता है। तो लवणता भी 25 से 30% होना चाहिए, जो सागरीय तापमान है वह भी 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और अवसाद मुक्त जल होना चाहिए, तभी यह प्रवाल भित्तियां क्या करती हैं, अपना विकास करती हैं, अपने जीवन का चक्र को आगे बढ़ाती हैं। और इसका जो सागरीय तरंगे व धाराएं हैं, क्योंकि जल का संचरण इधर से उधर होता है, तो यह इनके विकास में सहायक होता है। एक बार ले लेते हैं आप लोगों का लाइव चैट में कोई क्वेश्चन वाले हो,
कैसे सर नोट्स कैसे बनाए, कब तक चलेगी क्लास? पढ़ो, कब तक चलेगी, इसका क्या है? जब तक पढ़ रहे हैं पढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। सर नोट्स कैसे बनाएं? नोट्स आप पहले क्लास देखिए, पढ़िए, और पढ़ने के बाद आप उसको लिखिए, तब जाके आपका नोट बनेगा। तो प्रवाल भित्ति कितना? तीन प्रकार की होती है तटीय प्रवाल भित्ति। पहला तटीय प्रवाल भित्ति, यह तट के साथ साथ बनी प्रवाल भित्तियां हैं। उदाहरण के लिए भारत में मन्नार की खाड़ी, यूएसए में दक्षिण फ्लोरिडा इत्यादि। तटों के सहारे, तट के साथ ही अगर प्रवाल भित्तियों का विकास होता है तो उसको हम कहते हैं तटीय प्रवाल भित्ति। ठीक, जैसे भारत में मन्नार की खाड़ी है दक्षिण भारत में, और यूएसए में दक्षिणी फ्लोरिडा इत्यादि जगहों पर इस प्रकार की प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। दूसरा, अवरोधक प्रवाल भित्ति या प्रवाल रोधिका, ये तट से कुछ दूर पर पाए जाने वाली प्रवाल भित्तियां हैं। इनमें बीच के भागों में लेगून झील पाई जाती है। लेगून झील हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के समीप ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे लंबी प्रवाल रोधिका है। यह 1200 मील की लंबाई में फैला हुआ है। तब तट के सहारे तो तटीय प्रवाल भित्ति, अगर अगर प्रवाली जीवों का विकास, प्रवाल भित्तियों का विकास तट से दूर पर हुआ है तब इसको हम कह देंगे अवरोधक प्रवाल भित्ति। इसको तब हम कह देंगे अवरोधक प्रवाल भित्ति। तो जैसे ये मान लो कि तट है, ठीक, और प्रवाली जीवों का विकास तट से दूरी पर हुआ है, तो इस बीच के क्षेत्र में क्या होगा, झील बन जाएगी। क्योंकि यहाँ पे प्रवाली जीवों का विकास है, उधर तट है, तो इसी बीच में लेगून झील बन जाएगा। लेगून झील क्या होता है हम जानते हैं। तो यहां पर जो विकास होगा तो यह काफी विस्तृत क्षेत्र में होता है, कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया। और एक बात जान लीजिए कि यह जो प्रवाल भित्तीय क्षेत्र होते हैं, जो प्रवाल भित्ति होते हैं, वह जैव विविधता के सबसे बड़े केंद्र होते हैं। जैव विविधता के सबसे बड़े केंद्र होते हैं, यहाँ विभिन्न प्रकार के जीव एक साथ रहते हैं, क्योंकि यह काफी पौष्टिक क्षेत्रों का विकास करती है। तो इनके बीच लेगून झील पाया जाता है। तो उत्तर पूर्वी तट, जो ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पूर्वी तट है, जो ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पूर्वी तट है, ये इधर का, अगर मान लिया जाए कि ये ऑस्ट्रेलिया है, तो इसका ये वाला भाग उत्तर पूर्वी तट, तो यहां पर क्या है, विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है, जिसको क्या कहते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ, जिसको हम कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। यह सबसे लंबा प्रवाल है और इसकी लंबाई लगभग 1200 मील है, और यह 1200 मील के क्षेत्रों में फैला हुआ है। कौन, अवरोधक प्रवाल भित्ति या प्रवाल रोधिका। प्रवाल रोधिका है कौन, ग्रेट बैरियर रीफ। किस प्रकार का प्रवाल भित्ति है, तो हम कहेंगे कि ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका है, और इसका फैलाव 1200 मील में है, और यह कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट से थोड़ी दूरी पर। तीसरा, प्रवाल वलय या एटॉल, ये एटॉल शब्द हम लोग को बार बार मिलेगा। जब यह किसी द्वीप के, द्वीप या तट को प्रवाल भित्तियों द्वारा चारों ओर से घिरे हुए होता है। अब मान लिया जाए कि कोई द्वीप है, कोई मान लिया जाए ये द्वीप है, महासागरीय जल इसके चारों तरफ है, फिगर आप लोग देख रहे हैं ना, और तट के चारों ओर, इसके द्वीप के तटों के चारों ओर अगर प्रवाल भित्तियों का विकास होता है तो यह देखने में घोड़े के नाल के जैसा होता है, तो इसको हम कहते हैं तब एटॉल। तब इसको हम क्या कहते हैं, एटॉल। तट के साथ हो गया तो तटीय प्रवाल भित्ति, तट से थोड़ी दूरी पर हुआ तो अवरोधक प्रवाल भित्ति, और
जो द्वीप है, सागरीय द्वीप है, उसके चारों ओर जब इसका विकास हो जाएगा तो यह घोड़े के नाल के जैसे देखने में लगता है ऊपर से देखने पर, तब इसको हम कहते हैं एटॉल, प्रवाल वलय या एटॉल। ठीक, समझ गए? देखो भाई, यही है एटॉल। अब गुड आफ्टरनून हो गया विकास, 12 बज गए हैं। तो जो प्रवाल भित्तियां हैं उनके संबंध में तीन प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं। पहला चार्ल्स डार्विन, सहजीविता का सिद्धांत, मरे का स्थिर जल सिद्धांत और डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत प्रवाल भित्तियों के उत्पत्ति के विषय में व्याख्या करते हैं। थोड़ा सा जान लेते हैं कि कौन सी थ्योरी क्या है। डेविस ने अपनी पुस्तक दी कोरल रीफ प्रॉब्लम में प्रवाल भित्तियों से संबंधित 12 सिद्धांतों का विवेचन कर डार्विन के सिद्धांत को सर्वाधिक उपयुक्त बतलाया, परंतु उसे डेली के सिद्धांत के साथ मिलाकर देखे जाने का समर्थन किया। तो ये सब कुछ थ्योरी हैं, इसके विषय में हम लोग जान गए। अब आते हैं प्रवाल जीवों का, तो निर्माण कर दिए हम, विकास कर दिया, उसकी दशाएं हो गए। अब प्रवाल विरंजन के विषय हम जानते हैं कि कोरल रीफ किस तरह से समाप्त होता है या टूटता है। प्रवाल जीवों का जुजेंथले या फेरामोनिफोरा कहा जाता है नामक सूक्ष्म जीवों सूक्ष्मदर्शी शैवालों से सहजीवी संबंध होता है। यह शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तथा इनसे प्राप्त पोषक पदार्थ को से प्रवालों के विकास में मदद मिलता है। जो प्रवाल होते हैं वह जुजेंथले या फोरामिनिफोरा नामक सूक्ष्म जीवों के साथ जीवन करते हैं, मतलब सहजीवी संबंध, एक साथ रहते हैं। और यह क्या करते हैं, शैवाल प्रकाश, जो जुजेंथले नामक सहजीवी हो वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो मुख्य रूप से क्या है, या प्रवाल जो जुजेंथले है वह पादप किस्म का है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन करता है। तो इस प्रकार से प्रवाली जीवों का विकास होता है। लेकिन जब तापमान में वृद्धि हो जाती है, एलनिनो की परिघटना होती है, अवसाद या गाद जमा होने लगता है, समुद्री प्रदूषण व प्रवालों में संक्रामक रोग होता है, तो जुजेंथले शैवाल समाप्त होने लगते हैं या उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होने लगती है, तो शैवाल का रंग क्या हो जाता है, श्वेत हो जाता है, जिसे हम प्रवाल विरंजन कहते हैं। तो जो प्रवाली जीव है, अब क्या होता है कि जैसे मान लिया जाए कि तापमान में वृद्धि हो गई, तो तापमान में वृद्धि होगी तो वह क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उसकी बाधित होने लगेगी और अवसाद जमा हो गया, तो अवसादों का अगर जमा होगा तो उसका जो कमजोर तंतु है वह क्या होता है, नष्ट होने लगता है। समुद्र में जो हम प्रदूषण करते हैं उससे, और अगर एक कोई रोग, अगर प्रवाली जीवों का मरने का एक समुद्र में रासायनिक कोई अभिक्रिया के कारण उसमें कोई रोग लग गया, तो इन सब कारणों से क्या होता है, प्रवाली जीव विरंजन का, सुनो ना, प्रवाल विरंजन बिल्कुल सुन लो पूरे। तो क्या होता है, तो जो प्रवाली जीव है उनके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित हो जाती है या समाप्त हो जाती है, और यह जीव, यह जो प्रवाल है इसका कलर कैसा हो जाता है, उजला हो जाता है, और जैसे ही उजला होता है तो इसी को हम कहते हैं प्रवाल विरंजन। कि जो जुजेंथल शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं तो उनका रंग क्या हो जाता है, सफेद हो जाता है, और उसी को हम कहते हैं प्रवाल विरंजन। समझ गए अंशिका, प्रवाल विरंजन। तो प्रवाली जीवों के मृत होने की घटना क्या कहलाती है, जब वह मृत होकर उनका रंग सफेद हो जाता है तब उसको हम कहते हैं प्रवाल का विरंजन हो गया, यानी वह विरंजित प्रवाल हो गया। प्रवाल विरंजन, समझ गए? ओके, कोई भी चीज समझने में दिक्कत हो तुरंत पूछेंगे, मैं जैसे ही देखूंगा कोशिश करूंगा, इसलिए मैं बीच बीच में लाइव चैट देखते रहता हूं,
या आप लोगों को अगर कोई समस्या होगी तो उसका जवाब दे सकें। और यह क्या होता है, प्रवाल विनाश का निर्माण हो गया, ठीक, प्रवाल विरंजन समझ गए। प्रवाल विरंजन की घटना का अल्फ्रेड मेयर द्वारा 1919 में ही अवलोकन कर लिया गया था, परंतु इस प्रक्रिया तथा घटना के प्रति विश्व के वैज्ञानिकों का ध्यान 1998 ईस्वी में गया, जब केन्या के तट के पास हिंद महासागर तथा हिंद महासागर के द्वीपों अंडमान मालदीव लक्षद्वीप के 70% से अधिक प्रवालों की मौत हो गई। हालांकि इसके 1919 में ही हुआ कि प्रवाल विरंजित होते हैं, प्रवाली जीव का नाश होता है, इन सब कारणों से यह बात पता चल गई थी, लेकिन 1998 में केन्या के तट के पास और अंडमान मालदीव लक्षद्वीप इत्यादि क्षेत्रों में प्रवाली जीवों का व्यापक नाश हुआ, यानी प्रवाल विरंजन की घटनाएं चरम पर हुई और लगभग 70% प्रवाली जीवों का नाश हो गया, यानी 70% प्रवाल विरंजन हो गया। एक समझ गए, एलिनो की घटना हुई, हम लोग पढ़ेंगे जब भारतीय मानसून पढ़ेंगे, तो जिनमें प्रवाल भारी मात्रा में नष्ट हो गए, इसे प्रवाल कैटास्ट्राफे या प्रवाल विनाश कहते हैं। तो जब 97-98 में जब एलिनो की घटना हुई, जब ठंडी जलधारा गर्म जलधारा में कन्वर्ट होती है, वर्षण होता है, तब क्या हुआ कि प्रभावी रूप से विशाल मात्रा में प्रवाली जीवों का नाश हुआ और इसको हम प्रवाल विनाश या कैटास्ट्राफे कहते हैं प्रवालों का। ठीक, तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी थोड़ा सा हम लोग जान लिए, कुछ सिद्धांत के विषय में भी जान लिए। तो भूमंडलीय ताप वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग जो है, जिससे सागरीय तापमान में वृद्धि होती है, वह प्रवालों के विरंजन का मुख्य कारण माना गया है। तो समुद्री सतह के तापमान बढ़ने, सौर विकिरण, गाद जमा होने, प्रवालों में ब्लैक बैंड रोग व कोरल प्लेग, ये सब रोग पाए जाते हैं उसमें, जोनोबायोटिक्स उबायब सब एरियल प्रकटीकरण, अकार्बनिक पोषक तत्वों, मीठे जल के संपर्क के कारण सांद्रता कम होने, एपिजुटिक सहित प्रवाल पर्यावरण में मानव जनित और प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण प्रवाल भित्ति का विरंजन होता है। ये सब रीजन है, एक एक करके मोटा मोटी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे ही समुद्री सतह का तापमान बढ़ेगा या सौर विकिरण होगा, सूर्य से हानिकारक किरणें आएंगी, प्रवालों में रोग भी पाया जाता है, जैसे बैंड रोग, ब्लैक बैंड रोग, कोरल प्लेग, ये सब होता है। और कार्बनिक पोषक तत्वों का उपस्थित हो जाना, मीठे जल के संपर्क में आ जाना, इन सब से क्या, इन सब कारणों से ये या तो प्राकृतिक रूप से ऐसा हुआ हो या फिर मानव जनित कारणों से हुआ। प्रदूषण अब हम समुद्री जल में फैला देंगे तो क्या होगा, प्रवाल भित्तियां समाप्त होने लगेंगी, उनका विरंजन होने लगेगा। ठीक, तो इन सब कारणों से ब्लैक बैंड एक रोग वो है जो प्रवाली जीवों में पाया जाता है, एक रोग है ये, इनसे इनका इनका ह्रास हो जाता है। तो प्रवाल विनाश को रोकने के लिए जो ग्लोबल वार्मिंग, जो वैश्विक तापन है, उसमें वृद्धि को रोकना है और समुद्री प्रदूषण पर नियंत्रण अगर नहीं लगाएंगे तो प्रवाली जीव क्या होंगे, धीरे धीरे समाप्त होते चले जाएंगे। तो प्रवाल विरंजन का कारण समझ गए, समझ गए अंशिका, ब्लैक बैंड एक रोग होता है प्रवाली जीवों का। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं, सब लोग रेडी हैं कुछ हम लोग? तो इस प्रकार हम लोग समझ गए, जान गए क्या, प्रवाल भित्ति, महासागरीय तापमान, प्रवाल विरंजन, इन सभी चीजों से हम लोग आज इसकी जानकारी हमें बृहत रूप से मिल गई, यूपीएससी में भी प्रश्न आता है। और
कौन से बुक से पढ़ाते हैं? बहुत सारा बुक है भाई। क्लास समझ में आ गया? किन्हीं को कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम कि इन चीजों में महासागर या तापमान से लेके प्रवाल विरंजन तक समझने में किन्हीं को कोई समस्या? नहीं ना? तो चलिए तब हम लोग अब शुरू करते हैं। हम लोग प्रश्न की प्रैक्टिस करते हैं। ये सब जितने भी प्रश्न अभी आएंगे महासागरीय धाराओं और से संबंधित, प्रवालों से संबंधित, ये सभी किसी ना किसी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में पूछे गए सवाल हैं। तो देखते हैं हम लोग कितना कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग क्लास किए हैं अभी। तो देखते हैं कितने लोग हैं अभी। ठीक है, सभी लोग जवाब दीजिएगा और जवाब देने से पहले क्वेश्चन नंबर जरूर लिख दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शीतल धारा है? वेनेजुएला, क्यूरोसिबो, गल्फ स्ट्रीम, ब्राजील। कौन सी धारा जो है सो ठंडी जल धारा है? क्वेश्चन नंबर एक जवाब दो। क्वेश्चन नंबर एक का जवाब दो। मैं दे दूं क्या? आप लोग दोगे? अंशिका सी, नहीं भाई, कि गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। इसका जवाब होगा ए, वेनेजुएला की धारा। क्वेश्चन नंबर दो, डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर दो देखो, डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, आर्कटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में? क्वेश्चन नंबर दो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कामनी, क्वेश्चन आंसर कीजिए जल्दी से। डियागोर्सिया कहाँ है? क्वेश्चन नंबर दो। इसका भी जवाब होगा हिंद महासागर ए। अच्छा, सारगासो किस महासागर से संबंधित है? उत्तरी प्रशांत, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी प्रशांत या दक्षिणी अटलांटिक? क्वेश्चन नंबर तीन बहुत आसान है। सारगासो सागर शांत सागर ये क्षेत्र जो होता है जिसके चारों तरफ जलधाराएं बहती हैं। आप लोग क्वेश्चन लिख के जवाब दें। क्वेश्चन नंबर कितना है? जैसे तीन ए बी सी डी जो भी ऑप्शन आपको लगता है वो लिखें, तीन का ए बी डी सी डी ऐसे करके। जल्दी जवाब दो भाई, बहुत आसान सवाल है। नहीं, कोई नहीं। कामनी तीन का ए, नहीं और कोई? और कोई? तीन का होगा उत्तरी अटलांटिक महासागर, तीन का बी होगा। चार नंबर, ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति, राजस्थान में एक जल विभाजक, चीन की दीवार, रॉकी पर्वत की एक श्रृंखला। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है बोलो तो? इसका जवाब सब आदमी दे दोगे। क्वेश्चन नंबर चार, नहीं कोई ए। क्वेश्चन नंबर पांच, क्वेश्चन नंबर
5 अप्रत्यक्ष ज्वार उत्पन्न होने के कारण कौन से हैं? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल या पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल? जवाब दो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर होगा सी। ठीक, आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। सूर्य ग्रहण होता है प्रत्येक पूर्णिमा को, प्रत्येक अमावस्या को, सूर्य पृथ्वी चंद्रमा के एक परिक्रमण काल तल आने पर, या सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के एक परिक्रमण तल पर आने से। क्वेश्चन नंबर 6। छह का जवाब दो। छह का होगा डी। सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के एक परिक्रमण तल जब एक सीधी रेखा में होगी और अक्षीय झुकाव भी होगा तब जाकर सूर्य ग्रहण होगा। क्वेश्चन नंबर 7। अगुलहास की धारा कहाँ चलती है? अगुलहास की धारा विस्तृत रूप से बताए थे, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में या दक्षिणी अटलांटिक महासागर में? क्वेश्चन नंबर 7। दो जवाब जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दो भाई। इसका जवाब होगा ए, हिंद महासागर में। इसका जवाब होगा हिंद महासागर में चलती है। बोले ना कि जब दो धाराएं दो रूप में, एक मोजाम्बिक चैनल में और दूसरा जब दोनों किनार मिलती हैं, मेडागास्कर की धारा और मोजाम्बिक की धारा जब मिलती है तो अगुलहास बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 8। को ध्यान से देखिए, यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। उत्तरी पश्चिमी कथन है कि उत्तरी पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं, ठीक। उसके पीछे कारण है कि दक्षिण पश्चिम हवाएं साल भर उत्तरी पश्चिमी यूरोप के ऊपर बहती हैं, ठीक, दक्षिण पश्चिम हवाएं। तो अब देखिए कि इसके कथन और कारण, तो कथन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। कथन ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है और आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सत्य है। क्वेश्चन नंबर 8। सचिन कुमार बी, क्वेश्चन नंबर लिख के जवाब दो भाई। कौन से क्वेश्चन का बी बोल रहे हो? क्वेश्चन नंबर 8 का। बिल्कुल सही जवाब सचिन। क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर है वह क्या है? बंदरगाह खुले रहते हैं, लेकिन क्यों खुले रहते हैं? तो नॉर्वेन की धारा बहती है, गर्म जल धारा, जिसके संपर्क में आने के कारण, हाँ 8 का भी सचिन बिल्कुल सही है, वहां पे गर्म जल धारा के कारण होती है, पवनों के कारण नहीं। क्वेश्चन नंबर 9।
बेंगुएला की कौन सा कथन सही है? बेंगुएला धारा हिंद महासागर में प्रवाहित होती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा एक शीतल जल धारा है। हम्बोल्ट की धारा चिली के तट के रास्ते प्रवाहित होती है। ओयोशिबो धारा जापान तट पर उष्ण जल लाती है। कौन सा सही है? एक एवं दो, दो एवं तीन, तीन एवं चार, एक एवं चार। क्वेश्चन नंबर 9, कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर होगा 2 और 3। आप लोग महासागरीय धारा की कक्षा लिए होते अगर लिखे तो आप लोग जाके फिर से देख लेंगे यूट्यूब पे, तो इनका जवाब तुरंत हो जाता। अच्छा बताओ तो कौन सा द्वीप दक्षिणी हिंद महासागर में है? चागोस, मॉरिशस, चागोस, मॉरिशस, मालदीव या सेकेलीज, कौन सा दक्षिण हिंद महासागर में स्थित है? दक्षिण महासागर में 10 का। जवाब होगा, कोई दे रहे हैं क्या? दस का जवाब होगा डी, सेकेलीज। क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा अब छोड़ दो, कोई नहीं, अब 11 पर ध्यान दो। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी धारा नहीं है? ब्राजील की धारा, बेंगुएला की धारा, पेरू की धारा और लेब्राडोर की धारा, कौन सा ठंडी जल धारा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 11। सचिन बिल्कुल सही जवाब। और कोई? कामनी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व में सबसे अधिक लवणीय सागर या झील है कौन? कैस्पियन सागर, ग्रेट साल्ट लेक, मृत सागर या लेक वॉन। क्वेश्चन नंबर 12 का बोलो, 12 का डी, सचिन कुमार। वाह नहीं कामनी। बारह का डी, लेक वन तुर्की सबसे अधिक खारा। सचिन का जवाब सही है। क्वेश्चन नंबर 13, देखो भाई इसमें से बताओ कौन सी तीन गर्म जल धाराएं हैं? गल्फ स्ट्रीम, क्यूराइल, क्यूरोसिबो, क्यूराइल कैलिफोर्निया, क्यूरोसिबो गल्फ स्ट्रीम मोजाम्बिक, गल्फ स्ट्रीम मोजाम्बिक ब्राजील, तीनों गर्म जल धाराएं। क्वेश्चन नंबर 13 का सी, जितेंद्र। वाह बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय सागर का उदाहरण नहीं है? बाल्टिक सागर, अरब सागर, उत्तरी सागर या पीला सागर, पित सागर, जो महाद्वीप पर स्थित नहीं है, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब दो भाई, 14 का डी नो भाई। चौदह का जवाब होगा बी, अरब सागर। बाकी जितने भी हैं सब महाद्वीपों के मध्य स्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका को स्पर्श नहीं करता है? ठीक है, ठीक है, जवाब आ गया। आप क्वेश्चन नंबर 15 पे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका को स्पर्श नहीं करता? अटलांटिक, प्रशांत, हिंद महासागर या आर्कटिक? 15, कौन है भाई? भूपेंद्र, सचिन, भूपेंद्र और कोई, अंशिका, एके स्टडी, जितेंद्र मौर्य। आप सबों का जवाब बिल्कुल सही है, हिंद महासागर। ये एशिया में बाकी समाप्त हो जाती है। समुद्र की गर्म जल धाराएं कहाँ जाती हैं? ध्रुवों की ओर जाती हैं, भूमध्य रेखा की ओर जाती हैं, उष्णकटिबंध की ओर जाती हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच चलती हैं समुद्र की गर्म जल धाराएं। क्वेश्चन नंबर 16, नहीं सचिन, नहीं जितेंद्र, गर्म जल धाराएं हमेशा कहां जाती हैं? विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाती हैं। तो इसका जवाब होगा ए, ध्रुवों की ओर जाती हैं। अभी तो बताया था भाई, हाँ काम नहीं, सही है अनिष्का, सही है अंशिका, सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17, आइसलैंड व स्कॉटलैंड के बीच स्थित क्या है? विविल टॉमसन कटक, चैलेंजर उभार, वाल्विस कटक या अजोर उभार? आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच ये अंतर समुद्री संरचनाएं हैं, क्या उपस्थित है? क्वेश्चन नंबर 17, का ये सचिन, वाह जितेंद्र, वाह और कोई, एके स्टडी। सही जवाब ए। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 18 पर। लेब्राडोर की ठंडी धारा गल्फ स्ट्रीम पे कहां मिलती है? 30, 40, 50 या 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के निकट? यही मिलके ग्रेट बैंक का निर्माण होती है। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब दो भाई जल्दी से। अठारह का बी जितेंद्र, नहीं जितेंद्र का जवाब सही है, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों पर। छिपता हुआ महासागर किसे कहा जाता है? वेंसिंग ओशियन, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर या हिंद महासागर? क्वेश्चन नंबर 19, बोलो भाई। अंशिका, और कौन है यार के?
स्टेटस लवर किंग, ठीक है भाई, बिल्कुल सही। इसका जवाब होगा बी, आर्कटिक महासागर। इनमें से देखो कौन सा महासागरीय धारा बाकी से अलग है? उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा, गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट, या कैलिफोर्निया की धारा? क्वेश्चन नंबर 20। सचिन, सचिन का जवाब सही है। ये बाकी गर्म जल धाराएं हैं या और ये ठंडी जल धारा है। उत्तर होगा डी, कैलिफोर्निया की धारा। मेटाफर इंसेन कहाँ थे? डी, बिल्कुल सही जवाब। चलो आगे आओ। ज्वार भित्ति कहाँ देखने को मिलती है? तटीय क्षेत्रों में, एस्चुवरी के मुहाने में, खुले मैदान में, या बंद खारी में? ज्वार भित्तियां। क्वेश्चन नंबर 21। एक के स्टडी नहीं, इसका जवाब होगा एस्चुअरी के मुहाने पर। इसका जवाब होगा बी, एस्चुअरी के मुहाने पर। क्वेश्चन नंबर 22। अभी पढ़ाया है क्लास में, इसका जवाब दो तो। महासागरों के जल में लवणीयता की मात्रा सर्वाधिक किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 40, या 40 से 60 अक्षांशों के मध्य? क्वेश्चन नंबर 22। 22 का डी, 22 का सी। कौन बोला है? सचिन। एके स्टडी, इसका जवाब होगा सी, एके स्टडी। और कौन? सचिन, कामिनी, इन सबों का जवाब सही है। इसका जवाब होगा सी। क्वेश्चन नंबर 23। कॉड मछली की सर्वाधिक आपूर्ति किस क्षेत्र द्वारा की जाती है? आइसलैंड व न्यूफाउंडलैंड, फॉकलैंड, नॉर्वे, या ब्रिटिश द्वीप? कॉड मछली होती है। क्वेश्चन नंबर 23। तेईस का जवाब दो। नहीं नहीं भाई, नहीं 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 23 का जवाब होगा आइसलैंड और न्यूफाउंडलैंड। गर्म और ठंडी जलधारा मिलती है यहाँ पे। आगे आओ। 24 पढ़ाए थे कल ही। जिस द्वीप के द्वारा अगुलहास धारा दो भागों में विभक्त होती है, कौन से द्वीप के द्वारा? जावा, आइसलैंड, क्यूबा, मेडागास्कर। क्वेश्चन नंबर 24। 24 का डी, सचिन। और कोई क्वेश्चन नंबर लिख के जवाब दीजिएगा तो ही मैं समझ पाऊंगा। एके स्टडी, 24 का डी। शकील, क्वेश्चन नंबर लिख के जवाब दो।
जितेंद्र 24 का डी, जितेंद्र बिल्कुल सही जवाब सबों का, डी मेडागास्कर। मेडा एक मेडागास्कर की धारा, दूसरा मोजाम्बिक की धारा, फिर आगे मिल जाती है तो बन जाती है क्या, अगुलहास की जलधारा, पढ़ाए हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 25, उसका 24 का डी होगा। अब आओ क्वेश्चन नंबर 25, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। काला सागर में खारापन भूमध्य सागर की अपेक्षा कम है, ठीक, ये कथन है। कारण है इसका कि काला सागर में अपेक्षाकृत नदियों द्वारा जलापूर्ति अधिक है, इनमें से कौन सा सही है। ए तथा आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है, आर गलत है, ए असत्य है, आर सत्य है। क्वेश्चन नंबर 25, नहीं पच्चीस का उत्तर होगा ए। ए तथा आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती में नहीं प्रवाहित होती हैं, अटलांटिक महासागर में, रेनेल, सुशीमा, इर्मिंगर या बेंगुएला। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, कौन बोला है, सचिन सही जवाब है, और कोई नहीं, शकील नहीं, एस कुमार नहीं, नहीं, सचिन का जवाब सही है, ए के स्टडी सही जवाब, इसका जवाब होगा सुशीमा की जलधारा प्रशांत महासागर, इसका जवाब होगा सुशीमा की धारा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। एक ज्ञात स्तर के ऊपर के भूभाग की विभिन्न ऊंचाइयों अथवा गहराइयों को उचित ढंग से प्रदर्शित करने का माध्यम है। कक्षा में फिगर बताया था आप लोगों को कि ऊपर और नीचे के कंस्ट्रक्शन को कौन ग्राफ के द्वारा, हिप्सोमेट्रिक वक्र, एस वक्र, लॉरेंज वक्र या बारंबारता वक्र। क्वेश्चन नंबर 27 का ए कौन बोले हो, सचिन नहीं, जितेंद्र, कामनी, शकील, सचिन, आप सबों का जवाब बिल्कुल सही है, हिप्सोमेट्रिक वक्र कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28, टेलीग्राफिक पठार निम्नलिखित में से कहां स्थित है अंतर समुद्री संरचना में, पढ़ाए हैं, उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर या दक्षिणी अटलांटिक महासागर। टेलीग्राफिक पठार 28 का सी कौन बोला, सचिन, और कोई, ए के स्टडी, और कोई, अंशिका गुड आफ्टरनून, जितेंद्र, शकील,
समूह का जवाब बिल्कुल सही है, उत्तरी अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न देशों में से किसकी एक सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी हुई है? कैस्पियन सागर कहाँ है? रशिया वाले भाग में। अब देखो, अब लगाओ दिमाग। अर्मेनिया, अजरबैजान, कैस्पियन सागर है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कहाँ है 29 का? सचिन का जवाब आ गया। शकील, कामिनी, जितेंद्र, क्या लाइव नहीं आ रहा हूं क्या? मैसेज तो आ रहा है, क्या सब कुछ ठीक है? चलो जवाब दो 30 का। अब लगता है आ गया हूं लाइव, कुछ इंटरनेट इशू है लगता है। क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब दो। अलनीलों के दौरान असामान्य रूप से बाढ़ की स्थितियां, इसका डी सचिन, और कोई नहीं सके, और कोई अंशिका डी, जितेंद्र डी, एके स्टडी डी, बिल्कुल सही जवाब है, इसका उत्तर होगा डी। इन सभी देशों में चिली, इक्वाडोर और पेरू, पूरे हम्बोल्ट की जो जलधारा है वह गर्म जलधारा होती है और व्यापक बारिश और के कारण यहाँ पर। 31 नंबर क्वेश्चन देखो, महासागरों में जलधाराओं के बहने का कारण क्या है? वायु दाब एवं हवाएं, पृथ्वी का परिभ्रमण और गुरुत्वाकर्षण, भूमध्य रेखीय व ध्रुवीय प्रदेशों के असमान तापमान के कारण, उपर्युक्त सभी। किन कारणों से महासागरीय जलधाराओं की उत्पन्न होती है? क्वेश्चन नंबर 31, कामनी का जवाब आ गया डी, और कोई? शकील डी, सचिन डी, अंशिका डी, जितेंद्र बी, नहीं भाई। इसका जवाब होगा डी, बिल्कुल सही है केस स्टडी, इसका जवाब होगा डी, उपर्युक्त सभी। वायुदाब एवं हवाएं हम लोग पढ़े हैं, जब महासागरीय जलधारा का जाके आप लोग देखेंगे वीडियो और पूरे अच्छे से उसको समझने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में संबोधित किया जाता है? किस महासागर को महासागरीय मरुभूमि कहते हैं? अरब सागर, लाल सागर, सरगेसो सागर या चीन सागर? क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, नहीं सचिन। शकील नहीं, काम नहीं। इसका जवाब होगा सी, सरगेसो सागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर में शांत समुद्री क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 33, अच्छा, पेलेजिक पदार्थों का निक्षेप महासागरों के किस भाग में होता है? छिछले सागरीय, तटवर्ती, अगाध सागरीय, उपर्युक्त में से कोई नहीं।
जो पैलेजिक पदार्थ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का ए। सचिन, सचिन का जवाब सही है, सचिन का जवाब सही है। इसका उत्तर होगा अगाध सागरीय क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 34, पढ़ते हैं इसको ध्यान से सुनिए। यह संदेह है कि ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में आई बाढ़ लाल नीना के कारण आई थी। लाल नीना अल नीनो से कैसे भिन्न, लाल नीनो या अल नीनो से लाल नीनो कैसे भिन्न है? लाल नीना विषुवतीय हिंद महासागर में समुद्र के असाधारण रूप से ठंडे तापमान को चरित्रित करता है, जबकि एल नीनो विषुवतीय प्रशांत महासागर में समुद्र के असाधारण रूप से गर्म तापमान को चरित्रित करता है। एल नीनो का भारत के दक्षिणी पश्चिम मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, किंतु ला नीना का मानसूनी जलवायु से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका कौन सा कथन सही है? तो केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों ना तो एक ना तो दो। क्वेश्चन नंबर 34, उल्टा दे दिया है। क्वेश्चन इसका जवाब होगा 34 का नहीं भाई, 34 का जवाब होगा डी। ना तो कथन एक सही है और ना ही कथन दो सही है, ये उल्टा दोनों का परिभाषा दे दिया है, एल निनो और ला निनो का। क्वेश्चन नंबर 35, बिल्कुल सही जवाब, मृत सागर। ऐसे लेक वन जो है तुर्की का, वो सबसे ज्यादा लवणता वाला है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित निम्न में से कौन सा एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? अभी प्रवाल विरंजन पढ़े हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36, सागरीय प्रदूषण, सागरीय लवणता में वृद्धि, सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, रोगों एवं महामारियों का फैलना सबसे अधिक प्रभावी कारक। ये सभी कारक हैं, इन सभी कारणों से होता है। नहीं, लेकिन अभी बताए थे, बिल्कुल बिल्कुल सही, शकील का जवाब बिल्कुल सही है। सागरीय जल में सामान्य तापमान में वृद्धि होने के कारण। सागरीय जल के सामान्य तापमान में जो वृद्धि हो रही है वह सबसे अधिक नुकसानदेह है। यह सब कारणों से भी होता है, ये सभी प्रभावी कारक हैं, लेकिन पूछा गया था सबसे प्रभावी कारक कौन है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, पृथ्वी का आवर्तन, वायु दाब और हवा, महासागरीय जल का घनत्व, पृथ्वी का परिक्रमण। उपर्युक्त में से महासागरीय धाराओं को प्रभावित कौन कौन करते हैं? केवल एक और दो, एक दो तीन, एक चार या दो तीन चार। पृथ्वी का आवर्तन, वायु दाब, हवा, महासागरीय जल का घनत्व, पृथ्वी का परिक्रमण। क्वेश्चन नंबर 37, जल्दी जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 37 का डी, दो तीन और चार। सच जितेंद्र का जवाब आया। कामनी, कामनी का जवाब सही है। इसका जवाब होगा बी, एक दो और तीन। पृथ्वी का परिभ्रमण के कारण महासागरीय जल में महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होने का कारण है।
महासागरों में अम्लीकरण बढ़ रहा है, यह घटना क्यों चिंता का विषय है? तो कैल्शियमयी पादप प्लक की वृद्धि और उत्तर जीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। अम्लीकरण बढ़ रहा है तो जिससे क्या हो रहा है कि जो पादप प्लवक हैं उनका कैल्शियम जो खाते हैं उनका उत्तर जीविता पर प्रतिकूल, उसका लाइफ एक्सपेक्ट जो एक्सपेक्टेड लाइफ का जीवन चक्र होता है उत्तर जीविता उसको कहते हैं कि जितने दिन तक वो जीवित रहता है वो अपने प्रतिकूल प्रभाव होता है। प्रवाल वृद्धि की वृद्धि और उत्तर जीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। कुछ प्राणी जिनके डिंभक पादप प्लवकीय होते हैं कि उत्तर जीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। मेघ बीजन और मेघों का बनना प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा महासागर में अम्लीकरण बढ़ने से। 38 का कौन कौन जवाब दे दिए हो भाई? कामनी का जवाब सही है, राहुल का जवाब सही है, इसका जवाब होगा 1, 2 और 3। इसका जवाब क्या होगा? 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 39, पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवण जल बर्फ और हिमनद के रूप में रहता है, शेष अलवण जल का सबसे अधिक भाग कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल में आर्द्रता और बादलों के रूप में, अलवण जल झीलों और नदियों में, भूमिगत जल के रूप में या मृदा आर्द्रता के रूप में। अलवण जल बर्फ और हिमनद के अलावा सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 39। सोनू, नहीं, इसका जवाब होगा सी, भूमिगत जल, सबसे ज्यादा भूमिगत जल के रूप में। अराल सागर के किनारे कौन से दो देश हैं? अराल सागर के किनारे, क्वेश्चन नंबर 40, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान उज्बेकिस्तान या कजाकिस्तान और रूस। अरल सागर, क्वेश्चन नंबर लिख के जवाब दो भाई। 40 का ए सचिन, कामनी, जितेंद्र, इसका जवाब होगा ए, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, क्वेश्चन नंबर 40 का ए। ठीक है, समझ गए? तो आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों को यह कक्षा कैसी लगी जरूर बताएंगे। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देंगे, कमेंट करेंगे और यूपीएससी सीएससी हिंदी को जल्द से जल्द आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरे कोड KV01 का जरूर इस्तेमाल करेंगे, इससे आपको 10% की अतिरिक्त छूट मिलेगी। और अगर आपको मेरी कक्षाएं लेनी है तो आप बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मैं कक्षाएं होंगी तो आप पर नोटिफिकेशन जाएगा। और क्लास अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करेंगे
और यूपीएससीएससी को सब्सक्राइब करेंगे मेरे कोड के साथ और बेल आइकन बटन जरूर दबा देंगे। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही, अगली कक्षा की सूचना आपको मिल जाएगी। और जो पूर्ववर्ती मेरी कक्षाएं हैं, अगर आपको लगे तो आप कुमार वर्धन सर्च करके आप ये करें, और पुनः आप लोगों को कोई दिक्कत होगी तो मैं हूं ही, आप लोग बेहिचक पूछ सकते हैं कुछ भी। तो आज की कक्षा हम लोग समाप्त कर रहे हैं, किन्हीं को दिक्कत क्लास कब है ये आप लोगों को पता चल जाएगा, आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो। अगली का कल छुट्टी है लेकिन ये कंफर्म है। ठीक, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी उम्मीद के साथ पुनः मिलेंगे हम लोग नए टॉपिक नई चर्चाओं पे। ठीक, धन्यवाद।